नमस्ते आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान और ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से संबंधित समस्त खास खबरें हेडलाइंस के रूप में आपके बीच में लेकर रोज हाजिर होते हैं। यदि आप नागौर हेडलाइंस को सीधे अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइन। कोरोना अपडेट, कल मिले प्रदेश में 327 नए केस के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 17,271, जिसमें से 3261 केस हैं प्रदेश में सक्रिय। कल 8 एवं अब तक 399 की हो चुकी है मौत। नागौर जिले में कोरोना अपडेट, कल नहीं मिला कोई नया केस, कुल आंकड़ा पहुंचा है 618। कल 12 एवं अब तक कुल 558 को रिकवर होने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। जिले में हो चुकी है अब तक 12 मौत, सक्रिय मामले हैं 48। नागौर जिला मुख्यालय के गांधी चौक में बापू की प्रतिमा के समक्ष कैंडल लाइट से दिया गया कोरोना भगाओ का संदेश। प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शहीदों को किया नमन। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी हुए कैंडल लाइट एवं रंगोली कार्यक्रम, जिसमें पंचायती राज जन प्रतिनिधि हुए शामिल। विभिन्न तरह से रंगों से कोरोना हारेगा नागौर जीतेगा का दिया गया संदेश। 21 जून से शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान के 8वें दिन रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिले के नामा, कुचामन व डीगवाना उपखंड मुख्यालय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि लिया भाग। मंत्री ने अपने संबोधन में SMS का दिया मूल मंत्र। SMS का विस्तार बताते हुए कहा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर को अक्सर तय पालना करके भगाया जा सकता है कोरोना। 27 जून से 3 जुलाई तक मतदाता सूची में जुड़वाया जा सकता है नाम। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पदाभिहित अधिकारी आधा दिवस पूर्वान या अपरान उपस्थित रहेंगे। कल प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई रहे डीडवाना दौरे पर। उपखंड मुख्यालय पर विधायक चेतन डूडी ने किया स्वागत। मंत्री बिश्नोई ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, साथ ही विधायक से तमाम योजनाओं पर की चर्चा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार 134 ब्लॉकों के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के करीब 1496 रिक्त पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया कर ली गई है पूरी। सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र मिलेगा पदस्थापन। सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने खारिज किया रीट याचिका। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कोरोना संक्रमण के चलते रद्द करने की मांग को लेकर बीकानेर की मांगी देवी ने लगाई थी रीट याचिका। बोर्ड के हक में हुआ फैसला। आज से शुरू होंगी 10वीं की शेष परीक्षाएं। पिछले एक सप्ताह से गोठन क्षेत्र में बदले मौसम ने किसानों के चेहरों पर ला दी है खुशी। गुरुवार शाम को हुई प्री मानसून की अच्छी बारिश तथा उसके बाद भी लगातार हल्की बारिश के दौर चलने के कारण इन दिनों किसान खरीफ की फसलों की आगे की बुआई में जुट गए हैं। रियाबड़ी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सताना कला में बनी प्रधानमंत्री संपर्क सड़क पर लंबे समय से बीचों बीच बना है गहरा गड्ढा, जिसमें जमा होता है कीचड़। आने वाले राहगीरों को परेशानी का करना पड़ता है सामना। बड़े हादसे को भी दे रहा है निमंत्रण। स्काउट गाइड स्थानीय संघ प्रबसर के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत शहर के गांधी चौक पर रंगोली बनाकर दिया गया जागरूकता संदेश। तहसीलदार राजेश मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष रुचि कोहरा सहित अनेक गणमान्य लोग रहे उपस्थित। कोरोना संक्रमण काल के चलते चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के तहत कल डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने ग्राम पंचायत छापरीकुट के ग्राम सरदारपुरा कला में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। लॉयंस अंतर्राष्ट्रीय के प्रांत 3233 E2 के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अध्यक्ष का पुरस्कार राजेंद्र कुमार सोनी व सर्वश्रेष्ठ क्लब सचिव का पुरस्कार वीरमाराम मुरावतिया ने किया प्राप्त। नागौर शहर के बाड़ीकुआ क्षेत्र में लगी आग, सूचना पर पहुंची दमकल ने अपने प्रयासों से पाया काबू। बाड़ीकुआ स्थित गुरु कृपा टेंट हाउस के गोदाम में लगी थी आग। घटना को देखकर मौके पर एकत्रित हुए बड़ी संख्या में लोग। 10 जुलाई से 2 बीमा पॉलिसी आएंगी बाजार में।
कोरोना कवच और कोरोना रक्षक होंगे पॉलिसियों के नाम। पॉलिसियों के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का होगा बीमा। हेल्थ केयर कार्मिकों को मिलेगा प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में रोज हाजिर होते रहेंगे। यदि आप अपने क्षेत्र से भी किसी हेडलाइंस को उसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अथवा स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। यदि आप पत्रकार हैं अथवा पत्रकारिता का शौक रखते हैं तो आप हमसे परमानेंटली भी जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं। ये था आज का अंक। इसी तरह के अंक लेकर हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।